जो रेसिपी दिखने में ही इतनी लाजवाब दिख रही हो और ऊपर से ऐसा मलाई चिकन और वो भी इतना आसान और इतने ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएं, और बनाने के लिए वीडियो को जरूर देखें, आखिर तक देखें आप। अस्सलामुअलैकुम, चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं मलाई चिकन। अपने ही स्टाइल में बनाएंगे हम मलाई चिकन। मलाई चिकन बनाने के लिए बोनलेस चिकन ले लें तो सही रहेगा, लेकिन हमने लिया है बोन वाला चिकन, लेकिन बहुत ही छोटा चिकन लें आप। हमने 800 ग्राम का पूरा एक चिकन लिया है, इसको धो लिया है और अब ये खुश्क हमारे पास है। अब हम इसमें थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ये गरम मसाला, 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्ची का पाउडर है, और 1 टीस्पून चाट मसाला है। इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर जाता है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली भी डालेंगे, 1/2 टीस्पून ली है। लाल मिर्च की जगह आप पीली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिलेगा, कन्फ्यूज होंगे, इसलिए हमने प्लेन चिली ले ली है। 1 टीस्पून हमने लिया है नमक, तो इसको हल्का सा पहले एक मिक्स देते हैं और बस इसको डाल देते हैं चिकन के ऊपर, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही फटाफट और लाजवाब होता है ये चिकन। तो ये हम डाल देते हैं। इसमें डालते हैं हम 1 नींबू का रस, नींबू के रस की जगह आप व्हाइट विनेगर डाल सकते हैं, और इसमें डालते हैं हम 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही डालेंगे हम इसमें ये अदरक का पेस्ट। इसको करते हैं हाथ से मिक्स, और हो सके तो आप इसको कम से कम 1 घंटा मैरिनेट कर लें। और वही हमारे पास है ये, आधी हमने हरी शिमला मिर्च ली है और आधी ही ली है हमने लाल शिमला मिर्च, और 1 फुल साइज की प्याज ली है जिसको हमने इस तरह से कट कर दिया है, और आधी ही ली है पीली शिमला मिर्च। इस तरह से काट लें, और हमें चाहिएगी ये फ्रेश क्रीम। एक बड़ा सा पैन ले लेते हैं, भारी सी तली का पैन ले आप। 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। जब हम चिकन के पीसेस रखें तो इसमें से एक आवाज आनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस चिकन को आप बारबेक्यू पर सेक सकते हैं और सब्जियों को भी सेक सकते हैं। ऑयल को गर्म होने दें और ये चिकन के जो कर्ड्स हैं इनके अंदर अच्छे से मसाला भर लें। हम पहले बड़े बड़े पीस रखेंगे, जब आप अपना पीस रखें इस तरीके की आवाज आनी चाहिए। पूरा चिकन लेके ऐसे ही नहीं डाल दें आप, इसमें अच्छे से अरेंज करें, क्योंकि हमें सब पीस इसके अंदर अच्छे से बिठाने हैं। मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट हो गई है इसे पकते हुए, इस तरीके का डॉट्स आना चाहिए, इससे भी थोड़ा डार्क होगा तो सही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये सब पीस पलट देते हैं, इस तरह के डॉट्स आने चाहिए। सब पीस पलटने के बाद इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट ही पकाएंगे उस साइड से। सब पीस पलटने के बाद इसको कवर कर देते हैं, अभी भी मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। 5 से 6 मिनट बाद आप चेक करें, चिकन ज़्यादा पानी छोड़ देता है तो लिड हटा दें, और आपको लगे कि नहीं ये 5 मिनट और में खुश्क हो जाएगा तो आप इसको कवर ही करके पकाएं। इस दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके के डॉट्स चाहिए। 7 मिनट बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, यानी कि इसमें पानी हो गया है ज्यादा। अब लिड हटा दें, कोई भी पीस टच नहीं करना है क्योंकि इस तरीके के डॉट्स नहीं आएंगे, सबको सिंगल सिंगल ही रहने देते हैं, बस सिर्फ लिड हटानी है। जैसे ही ये ऑयल छोड़ता है तब दिखाते हैं आपको, कम से कम लगेंगे इसमें 6 मिनट। जो पानी सा था वो तो खुश्क हो गया है, और चिकन में से बढ़िया सी आवाज, और ये ही डॉट हमें चाहिए थे जो अभी दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, चिकन को थोड़ा सा यूँ साइड कर देते हैं, और ये जो हमारी सब्जियां हैं हम ये इसमें डाल देते हैं। आप ये अलग पैन में भी सेक के बाद में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सही रहेगा। सब्जियों पर डालते हैं हम 2 चुटकी नमक, चिकन का नमक चिकन में है, थोड़ा सा चाट मसाला, और 1 चुटकी डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर। अब इसको मिक्स कर देते हैं। सब्जी डालने के बाद भी हमने इसको 6 मिनट पका लिया है, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है शिमला मिर्च को।
आप इस वक्त चख सकते हैं, आपके मुताबिक नहीं है जो मिर्च या नमक तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, अब हम इसमें डालते हैं ये फ्रेश क्रीम, जो हिला के डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम है, स्लो कर लेते हैं। चिकन भी ज़्यादा है तो इसमें ये पूरा ही डब्बा जाएगा। देखें, अब आप इसको चलाएंगे तो ये थोड़ा थिक सा हो जाता है। इसको पतला करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दूध से उतरी हुई मलाई है, जो दूध पर मलाई आती है, वो मलाई ले ली है और हमने इसको इसमें घुमा लिया है। ये थोड़ी टाइट लग रही है, लेकिन जैसे ही इसको हीट लगेगी ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। 2 से 3 टेबल स्पून डाल देते हैं। इसको डालने के बाद क्या होगा, ये हमारी ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाएगी। दूध से उतरी मलाई जैसे ही पकती है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। एक छोटा सा पीस इसमें ये बटर का रख देते हैं, जहां पर उबाल आ रहा है वहां रखते हैं ताकि जल्दी से पिघल जाए और ये दिखे एकदम शाइनी। बटर डालने के बाद ये हमें ऐसा ही चाहिए था, फ्लेम को बंद कर देते हैं। बहुत ही हसीन दिख रहा है और खाने में तो ये इतना लाजवाब है कि बस आप बनाएंगे तो आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा एकदम से। बहुत ही बढ़िया ये चिकन मलाई तैयार हुआ है। तो इस तरह से बनाएं, ये हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली 6 के तरीके से ज़रूर बनाएं। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे ये मलाई चिकन को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। चिकन थोड़ा सा छोटा ही लीजिए, ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।